नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि देख रहे हैं आज का ब्लॉग, मैं आज के ब्लॉग में जन्माष्टमी दिखा रही हूँ आप लोगों को। आज जन्माष्टमी है जो कि आज हम लोग व्रत हैं, मैं और मेरी देवरानी दोनों लोग आज व्रत हैं। इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम लोग पूजा करते हैं, क्या क्या प्रसाद बनाए हैं, और मैं अपने बच्चों को राधा कृष्ण बनाई हूँ, उसका भी मैं परफॉर्मेंस आप लोग को इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो मेरे साथ बने रहिए और मेरा पूरा ब्लॉग देखिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारा ब्लॉग पूरा देखिए। पूजा करने के लिए फूल तोड़ रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया है स्टार्टिंग में कि आज जन्माष्टमी है, शाम को पूजा करना है, इसलिए शाम को फूल नहीं तोड़ा जाता है। मैं अभी फूल तोड़ लूँगी। फूल तोड़ के इन फूल का मैं माला बनाऊँगी। ये सारे फूल मेरे गार्डन में लगे हुए हैं, मेरे घर में ही आगे गार्डन है, वहीं पर ये सारे फूल लगे हुए हैं। मैं इनको तोड़ के इसका माला बनाऊँगी। ये देखिए मेरा माला बन के तैयार हो गया है। माला तो मार्केट में भी मिलता है, मगर मैं मार्केट से नहीं मंगाई हूँ, क्योंकि मेरे गार्डन में खुद ही इतना सारा फूल था, तो मैं सोची घर पे ही माला बनाती हूँ, इसीलिए मैं घर से ही फूल तोड़ के माला बनाई हूँ। इसी तरह आप भी चाहें तो घर पे ही माला बना सकते हैं। ये देखिए मेरा माला बन के तैयार हो गया है, जो कि शाम को मैं पूजा करूँगी। जन्माष्टमी का पूजा करना है। इस ब्लॉग में मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, बने रहिए। यहाँ मेरे देवरानी पूजा के लिए चना अमृत बना रही है, क्योंकि पूजा पाठ करना है, काम बहुत सारा है, लोगों को खाना भी बनाकर खिलाना है, इस वजह से मैं खाना बनाने में लगी हुई हूँ। तो वो पूजा का तैयारी कर रही है। हम दो लोग साथ में रहते हैं तो फटाफट काम हो जाता है, इसीलिए वो पूजा का प्रसाद बना रही है और मैं खाना बना रही हूँ। यहाँ मैं उसको बोली हूँ चना अमृत बनाने के लिए। देखिए वो बाउल में सारे ड्राई फ्रूट्स डाली है, दही डाली है, पानी थोड़ा मिलाएगी, कच्चा दूध मिलाएगी, चीनी मिलाएगी, सब कुछ मिलाकर चना अमृत बन जाएगा, जो कि शाम को पूजा में हम लोग भोग लगाएंगे। चना अमृत बनके हमारा रेडी हो गया है। चना अमृत तो बनके तैयार हो गया है, लेकिन तुलसी के पत्ता बिना तो अधूरा होता है, वही सबसे मेन होता है, इसलिए उसको भी डाल के पूरी तैयारी करके हम लोग रखते हैं, ताकि पूजा के टाइम कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ तैयार रहे। यहाँ मैं खीर बना रही हूँ साबूदाने का। अब पूजा के लिए हम लोग तैयार होंगे। यहाँ मैं तैयार हो रही हूँ। पहले मैं खुद तैयार होंगी, उसके बाद अपने बच्चों को तैयार करूँगी, जो कि मैं बच्चों को राधा कृष्ण बनाई हूँ, तो उन बच्चों को भी रेडी करूँगी खुद तैयार होने के बाद। यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ। अब मैं समृद्धि को राधा बनाई हूँ, जो कि मैं उसे भी तैयार कर रही हूँ, उसको भी रेडी करना है, पूजा पाठ करना है, इसलिए फटाफट उसको भी रेडी कर ले रही हूँ। यहाँ राधा और कृष्ण तैयार हो गए हैं। अब राधा और कृष्ण का परफॉर्मेंस होगा, जो कि हम लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे, और आप भी देखिए, एंजॉय करिए। Thank you.
राधा कृष्ण का तो नृत्य बहुत अच्छा रहा, जो देख के बहुत एंजॉय किए हम लोग। अब पूजा का समय हो गया है इसलिए पूजा कर रहे हैं। आप लोग भी बने रहिए, देखिए हमारे साथ कैसे हम लोग पूजा करते हैं। यहाँ देखिए प्रसाद बना लिए हैं, सिंगाड़े के आटे का चूरन बनाए हैं, सिंगाड़े के आटे का हलवा है, फल है, बर्फी है, सारा सामग्री पूजा का इकट्ठा कर लिए हैं और पूजा शुरू कर दिए हैं। भगवान जी को पहले माला पहना लेते हैं। इसी तरीके से जन्माष्टमी का पूजा हम लोग करते हैं। आप लोग किस तरीके से करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, किस तरीके से आप लोग जन्माष्टमी का पूजा करते हैं। यहाँ तो हम लोगों का पूजा शुरू हो गया है, धीरे धीरे पूजा करना हम सब ने शुरू कर दिया है। जैसा कि कहा जाता है भगवान का जन्म रात को 12 बजे हुआ था, इस वजह से ये पूजा रात में ही करते हैं, जो कि पूजा करते करते रात के 12 बज जाता है, इस वजह से पूजा हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ फल वल सब चढ़ा दिए हैं भगवान जी को, अब दीपक जला रहे हैं। दीपक जला के भगवान जी का पूजा करेंगे। मैं और मेरे देवरानी दोनों लोग मिलके पूजा कर रहे हैं। यहाँ सारे भगवान जी को दीपक दिखा देते हैं। पूजा हमारा हो रहा है। इसी तरीके से मेरे देवरानी भी पूजा कर रही है, उसका भी पूजा हो रहा है। हम दोनों लोग साथ में पूजा कर रहे हैं। हमारे घर में बच्चे भी हैं, वो लोग भी जग रहे थे, उन लोग भी बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। रात के 12 बज चुके हैं, जो कि भगवान का जन्म हो गया है, तो हम लोग आरती कर रहे हैं। पूजा हम लोग स्टार्ट कर दिए थे, पूजा होते होते रात के 12 बज गया। जब 12 बजता है तब हम लोग आरती करते हैं। हम दोनों लोग भगवान का पूजा करके आरती कर रहे हैं। आप लोग भी किस तरीके से पूजा करते हैं मुझे बताइए, और मेरे वीडियो को पूरा देखिए, एंजॉय करिए, देखिए किस तरीके से हम लोग पूजा कर रहे हैं। यह हमारा आरती हो गया है, अब बच्चे भी पूजा कर रहे हैं। देखिए हमारे राधा कृष्ण भी बाल गोपाल का पूजा कर रहे हैं, बच्चे हमारे सारे भगवान का पूजा कर रहे हैं। पूजा संपन्न हो गया है, रात के 12:05 हो रहे हैं, तो हमारा पूजा कंप्लीट हो गया। अब हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस तरीके से हम लोग कृष्ण का जन्मोत्सव मनाए। आप किस तरीके से मनाते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। बाय बाय।